आपने कहा कि राम जी का नाम लेके आपने दूसरे धर्म की बात करी, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा कहना ऐसा है कि खाली ये मुस्लिम महिलाओं का सवाल नहीं, परित्यक्ता महिलाएं बड़े पैमाने पर मेरी हिंदू बहनें हैं, उनका भी सवाल है, तो सारी महिलाओं का सवाल है। ये पुरुष प्रधानता की वजह से सारी महिलाओं के ऊपर अन्याय होता है, ये कहते वक्त वो मैंने कहा, लेकिन श्री रामचंद्र का नाम लेने की वजह से अगर किसको ठेस पहुंची होगी। सर, आपने तो किसी धर्म को, आप किसी धर्म को इसके साथ कैसे जोड़ सकते हैं? आप कैसे किसी के धर्म के लिए उठा के आपने ये कह दिया कि नहीं, राम जी को भी डाउट था? नहीं नहीं, ये वो ऐसी बात नहीं है, यही धर्म का ही सवाल है ना। धर्म का सवाल है, ऐसा मैं बताता हूँ, ट्रिपल तलाक की बात लोगों ने धर्म की ही बात की है ना, तो वो धर्म की बात है, तो धर्म का सवाल करके नहीं मैं बोला। ये हमारी जो परंपरा है, श्री रामचंद्र क्या वो खाली हिंदुओं के है क्या? इस देश के है ना, श्री रामचंद्र सबके हैं। लेकिन आपको पता है ये बात जो आपने इतनी बड़ी बात बोली है, किसी के धर्म, किसी के ग्रंथ, किसी के सेंटीमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर हिंदुत्व से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपने उठा के कह दिया कि श्री राम जी को डाउट था इसलिए उन्होंने सीता माता को छोड़ दिया। ओ, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, ये सवाल यहाँ उठना नहीं चाहिए था। और ट्रिपल तलाक पे जिस तरीके की आपने बात करी, खाली आप माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जो बहस चल रही है इस समय, आपकी विचारधारा दिखाता है सीधे सीधे, ये आपकी विचारधारा है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है? नहीं नहीं, ये मेरी विचारधारा है, मैं बोला उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कांग्रेस पार्टी का उससे कुछ संबंध नहीं, सवाल ही नहीं आता। और ट्रिपल तलाक को लेके आपका क्या कहना है? जो ट्रिपल तलाक बंद करना चाहिए, ऐसा ही मेरा कहना है, कोई सवाल नहीं। तो आपने इस तरीके की का बात का प्रयोग क्यों करा सर? आप किसी के भगवान, ये बार बार बोलो, आप क्या चाहते हैं? ये पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं? पॉलिटिसाइज तो आपने मदद करना चाहते हैं, पॉलिटिसाइज चाहते हो, आप क्या चाहते हैं? आपने पॉलिटिसाइज करा, मैं जो बोला वो बस हो गया। आप किसी के धर्म के ऊपर, इसके बाद मैं कुछ बात करना, आप माफी मांग के ये पूछ रहे हैं, माफी मांग के किसी पे जानते नहीं मैं कौन हूं, आप मैं कोई धर्म के खिलाफ नहीं, आप किसी के खिलाफ कैसे, आप कैसे धर्म परिवर्तन, धर्म में वो बंटवारा गया नहीं, मैं धर्म में बिल्कुल नहीं गया, आपको टाइम पूछी होगी तो मैं माफी मांगा, खलास, बात खत्म। आप माफी मांग के सर हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का आप कमेंट पास कर रहे हैं, क्या वो कमेंट एक्सेप्टेबल? यू आर गोइंग बियॉन्ड योर लिमिट्स। सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो आपने, मैं आपसे सिर्फ सवाल जी, एक्सक्यूज मी, आई थिंक द क्वेश्चंस वी आस्ड आर मोर देन वी नो, वी नो व्हाट यू आर सेइंग, प्लीज प्लीज फुल राइट टू आस्क द क्वेश्चन, सो इफ ही डजंट वांट, सर आप मुझे बताइए ना, आप इस तरीके की बात कहेंगे क्या इसका सोसाइटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, कहा है कि मैं माफी मांगता हूं, खलास, सोसाइटी, आई होप यू नहीं, आप क्या क्या कहेंगे इसका सोसाइटी? पूछो उनको, पूछो, आई थिंक ही हैज सेड एनफ, प्लीज लीव, प्लीज लीव, यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। Persistent